हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में 1 से 100 काउंटिंग नंबर दिए हुए हैं। इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं और कौन से नंबर कंपोजिट नंबर हैं। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इट्सेल्फ। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके पास केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इट्सेल्फ। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सर्किल किए हुए नंबर हैं चार्ट में वो प्राइम नंबर हैं, और जितने भी क्रॉस किए हुए नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर हैं। और यहाँ पे 1 जो है ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर होते हैं जो कि, और कंपोजिट नंबर के पास 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। तो 1 के पास केवल एक ही फैक्टर है, तो इसलिए 1 ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले हम 1 से 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उसको हम देख लेते हैं। 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। इस तरह ये 1 से 50 के बीच में इतने प्राइम नंबर हैं। तो इसको हम काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इस तरह 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर हैं। अब हम देखेंगे 51 से 100 कितने प्राइम नंबर हैं। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो इसको हम काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह 51 से 100 10 प्राइम नंबर हैं और 1 से 50 में 15 प्राइम नंबर हैं। यहाँ पे 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं ये दिए हुए हैं, इसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट है ट्विन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर विच डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। वो प्राइम नंबर जिनके बीच 2 का डिफरेंस होता है उसे हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 और 5, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी, और इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। इसी तरह 5 और 7, 11 और 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 71, 73, etc। यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं सब ट्विन प्राइम नंबर हैं। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर। 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर इफ़ दे हैव ओनली 1 एज द देयर कॉमन फैक्टर। 2 नंबरों के पास केवल एक कॉमन फैक्टर होता है तो उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3 और 4, तो इसका हम फैक्टर निकालते हैं 3 का और 4 का, 1 और 3 हो जाएगा इसका, 1, 2 और 3। तो कॉमन लेंगे तो केवल 1 ही कॉमन आ जाएगा, तो इससे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। इसी तरह 8 और 15 है, तो 8 का हम यदि निकालते हैं कॉमन फैक्टर तो 1, 2, 4 और 8, एंड 15 का निकालते हैं तो 1, 3, 5 और 15। तो कॉमन देखेंगे तो केवल एक ही आएगा। इस तरह 2 नंबरों के पास यदि 1 कॉमन फैक्टर होता है तो उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। इस तरह आप लोग एक्सरसाइज 18 को सॉल्व कर लेंगे।